गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो बार बार निकालने कर फिर वापस डालने वाला उस सवाल को हम लोग कर रहे थे, और फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आज की इस क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बोला है कि फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड आफ्टर इट 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। फिर उसके बाद कह रहा है अगेन 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज ड्रॉन आउट एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। इफ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड सिमिलरली फॉर द थर्ड टाइम, मतलब कि इस बार प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट, तो बताइए कि दूध की मात्रा कितनी बचेगी तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद, है ना। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि रिमेनिंग मिल्क अगर आप लोगों को निकालना है ना, रिमेनिंग मिल्क निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स वन माइनस वाई बाई एक्स की पावर में एन, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो अब जरा मेरे को बताइए कि टोटल आपका मिक्सर कितने का है, 50 का है। ठीक है, और हर बार कितना निकाल रहे हो, 5 कितने में से, 50 में से, और कितने बार, 3 बार, 5 के पहाड़े में बताओ कितने बार, 10 बार में। तो 50 और ये 9/10 होगा, 9/10 का क्यूब, 9 का क्यूब हो जाता है 729 और 10 का क्यूब हो जाता है 1000। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने लग जाए, है ना, तो कितना आएगा। तो एक काम करते हैं यार, 0 0 देखो ये कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर दो, 5 निमे 45, है ना, 4 बचा, 5 दूनी 10 4 14 और 7 5 35 और 1 36, तो ये 100 है तो ये हो जाएगा 36.45 लीटर। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे अगर मान लीजिए कि अगर आप वाटर वगैरह निकालना चाहते हो, है ना, तो वाटर वगैरह निकालने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे भाई, टोटल 50 लीटर का मिक्सर था तो अगर मिल्क यानी इतना 36.45 लीटर को माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, वाटर बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो कई बार वाटर का भी पूछ लेता है, तो वाटर निकालने के लिए आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही मेरे को नजर आ रहा है ना, तो इसको कैसे करोगे ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि इसको सवाल को कैसे हमें करना है। तो ये सवाल करने के लिए क्या करोगे, जैसे बोला एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है, एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही केरोसिन टंकी में डाल देता है, 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डालने पर टंकी के मिश्रण में केरोसिन की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि उसने 200 लीटर पेट्रोल में 40 लीटर पेट्रोल पहले तो निकालता है और उसके बाद जो है उतना ही केरोसिन डाल देता है और 4 बार ये प्रक्रिया दोहराता है। तो सवाल में बोला है टंकी में केरोसिन की मात्रा इस बार पूछी आपसे, है ना। तो बच्चों ये बताओ, सबसे पहले यहां से ये बताओ कि अगर शुरू में तुम्हारे पास पेट्रोल था तो यहां से आएगा भी पेट्रोल, तो रिमेनिंग पेट्रोल निकाला जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे ये बताइए, शुरू में तुम्हारे पास कितना लीटर पेट्रोल था, 200। अब 200 में से हर बार तुम कितना निकाल रहे हो, 40, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, और कितने बार, 4 बार। ठीक, अब देखो इन सब सवालों के करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला तरीका इस्तेमाल करिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और भी तरीका, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये बताओ ये 200, ये 1 में से 1/5 क्या, 4/5, तो 4/5 का पावर 4, तो 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होगा और 5 की पावर 4 जो होगा वो 625 होगा, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहां से बताओ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 25 के पहाड़े में ये 25 बार में, 25 के पहाड़े में ये 8 बार में, है ना। अब मुझे लगता है कि ये कटेगा भी नहीं, है ना, किसी से नहीं कट रहा। तो ये बताइए, देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करते 8 6 48, है ना, 4 बचा, 8 5 40, 4 44, फिर 4 बचा, 8 2 16 4 20 और बटे में 25। अगर मान लो इसको नीचे 4 से गुणा कर दो, इसको भी नीचे 4 से, भाई 25 से डिवाइड करने से ज्यादा अच्छा है कि 100 से डिवाइड कर दो, है ना, समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 100 बनाना चाहिए। तो बताइए 8 6 32, बचा कितना 3, 4 6 16, 16 और 3 19, 1 बचा, और देखो 4 0 0 1 और 4 2 8,
और बताओ यहाँ नीचे 100 है तो ये 81.2 लीटर 92 लीटर। बच्चे ये आपका जो 81.92 लीटर आएगा ये आपका पेट्रोल आएगा, लेकिन आपसे केरोसिन पूछा है। केरोसिन कैसे निकालोगे ये जानो। केरोसिन निकालने के लिए करना ये है बस तुमको कि भाई टोटल आपका पेट्रोल कितने लीटर का था, 200 का। 200 में से जितना पेट्रोल है बचा हुआ उसको माइनस कर दो, तो बाकी का शेष जो बचेगा वो क्या होगा, केरोसिन। तो बताइए 200 में से पहले तो 81 घटा दो, अरे हाँ या ना, ठीक है 200 में से 81 घटा दो 119, अब उसमें से जाएगा 92 तो ये आ जाएगा 118.08 लीटर, है ना 118.08 लीटर, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अब ये वाला सवाल करते हैं। अब देखो ये सवाल जो है फॉर्मूला से करोगे तो भी ठीक है ना, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं करवाने वाला। मैं इस सवाल को मैं जो आपको करवाऊंगा मैं कैसे करवाऊंगा ये जानो। हालांकि देखो फॉर्मूले से भी हो जाता है, ठीक है एक सवाल में फॉर्मूले से करवा देता हूं और बाकी जो है हम लोग इसको करेंगे जो एक इसका दूसरा तरीका है उससे करेंगे। ठीक है अच्छा ये बताओ कि जैसे यहां पर बर्तन जो है पूरा दूध से भरा हुआ था, है ना, तो यहां से रिमेनिंग मिल्क ही निकला होगा। ठीक है बच्चों यहां पर सवाल बोल रहा है कि 15 लीटर हमने हर बार निकाला और पानी से हमने उसको बदल दिया, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हमने एक बार और दोहराया, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 2 बार हमने इस बार प्रक्रिया को किया है। ठीक अब सवाल में बोला है कि अगर अंत में हमारे पास दूध और पानी का अनुपात 16:9 का बन जाए, है ना ये बोला हमसे, तो दूध और पानी का अनुपात 16:9 का बन जाए, हाँ दिख रहा है, हाँ दूध और पानी का अनुपात अगर 16:9 का बन जा रहा है ना, तो देखो सुनो ये जो है ये आप लोगों का 16 जो है ये प्रक्रियाओं के दोहरा लेने के बाद बचा हुआ दूध है, और ये जो आपको 9 दिख रहा है ये 9 वही प्रक्रियाओं के बाद बचा हुआ पानी है। ठीक है तो ये बताइए कि जो टोटल मिक्सर होता है, टोटल मिक्सर बताओ उसका रेशो 25 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई शुरुआत में पूरा का पूरा तो दूध ही रहा होगा ना। ठीक है तो ये शुरुआत का आपका जो 25 है ये टोटल मिक्सर है, यानी कि इसको हम लोग टोटल दूध कह सकते हैं जो शुरू में रहा होगा। ठीक है अच्छा अब बताइए कि रिमेनिंग मिल्क की बात कर रहा है तो रिमेनिंग मिल्क है 16, एक्स हमारा बताओ इनिशियल क्वांटिटी होता है तो उसको हम लोगों ने देखो यहाँ पे कितना निकाला है 25, यहाँ 25 लिख दो। ठीक है अच्छा इसके बाद मेरे को एक चीज बताओ, 1 माइनस हर बार जो आप लोग निकाल रहे हो, हर बार आप लोग जो निकाल रहे हो 15 लीटर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे लिख दिया 15 लीटर और ये एक्स हमें निकालना है और प्रक्रिया 2 बार हुई है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है अब बच्चे बताओ कि 16/25 यहाँ स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस 15/x। ठीक है तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक अब 4/5 उधर जाएगा तो 1 में से 4/5 क्या बचेगा 1/5, तो 15/x = 1/5 तो x का वैल्यू 75 लीटर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 लीटर, यानी कि आपके पास जो टोटल प्रारंभिक मात्रा दूध की रही होगी वो रही होगी 75 लीटर की। ठीक है तो बच्चों ये इसका होता है मतलब कि फॉर्मूला वाले तरीके से। अगर आप इसको चाहते हो, अगर आप इसको चाहते हो दूसरे तरीके से तो बच्चे मेरे पास दूसरा तरीका भी है, सुनो क्या है। ये बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की जो है, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की और जो फाइनल क्वांटिटी मिल्क की उसका रेशियो पहले निकाला जाए, तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की हमारी 25 अभी अभी बताया था और फाइनल क्वांटिटी बच्चे कितनी 16, अरे हाँ या ना। अब बताओ कि प्रक्रिया अगर आपने कितने बार दोहराई है, 2 बार, जब 2 बार दोहराओगे तो इसका करोगे अंडर रूट, ठीक, और जब एक बार मतलब 3 बार करोगे तो ये क्यूब रूट, तो 25 किसका होता है 5 का, 16 4 का। अच्छा ये बताइए मिक्सर 5 का था 4 हो गया, अंतर कितने का आया 1 और ये अंतर कितने लीटर के बराबर 15 लीटर, तो 1 अगर 15 लीटर तो 5 किसके बराबर होगा 75 लीटर। देखो तो ये सेकंड वाले मेथड से ये सवाल काफी जल्दी हमारा हो जाता है। ठीक है उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में
आ गई बात। अब ये सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं चाहता ये हूं कि सवाल का उत्तर जिससे भी आपको मन करे भाई, जिस भी तरीके से आपका मन करे आप उससे मेरे को दो, ठीक है? चलो अब देखो, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है? अच्छा बताओ, आपके पास कंटेनर में बियर था, है ना? 15 लीटर बियर ने चुराया और रिप्लेस कर दिया उसे, ठीक है? और इस प्रक्रिया को उसने मतलब दोहराते गया, ठीक है? और 3 बार दोहराने के बाद जो रेशो आया वो आया 343 और 169, है ना? तो इनिशियल निकालने के लिए 343 और 169 को जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा? 512। और फाइनल 343। 3 बार प्रक्रिया है, तो मैंने बोला था क्यूब रूट करोगे, है ना? तो 512 8 का होता है, 343 7 का होता है, ठीक है? 8 से 7 हो गया अंतर 1 का, क्यों? क्योंकि हर बार 15 लीटर निकाल दो, 1 15 लीटर, तो 8 किसके बराबर? 120 लीटर। 120 लीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? 120 लीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो ये देखते हैं, कह रहा है कि एक बर्तन है जो कि पूरा पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है, ठीक है? और एक आदमी ने हर बार 20% उसमें से दूध को निकालता है और फिर से उसमें वही मिलावट करता है, ठीक है? अब इसमें बोला है कि इसने इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराने के बाद उसने ये पाया कि केवल और केवल 512 ग्राम दूध उसके अंदर बचा हुआ है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए कि दूध की जो शुरुआती मात्रा थी, आरंभिक मात्रा कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा है सवाल के अंदर, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे ये अब हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो देखो हर बार जो है 20% का उसने बात बोला है, तो बच्चों क्या करोगे, एक तरफ आप लोग लिखोगे इनिशियल मिक्सर, है ना? इनिशियल मिल्क, है ना? इनिशियल मिल्क, और दूसरी तरफ लिखोगे फाइनल मिल्क, ठीक है? अब बच्चों ये बताइए कि हर बार वो कितना परसेंट निकाल रहा था भाई? 20%। 20% मेरे भाई होता है 1/5, यानी कि अगर दूध 5 रहा होगा तो निकालेगा 1, तो हो जाएगा 4। और उसने इस प्रक्रिया को कितने बार, उसने 4 बार दोहराया है, तो इसमें इस बार पावर लगा दो 4, इसमें भी 4, ठीक? तो जैसे कि देखो सवाल जब उल्टा होता था तो हम लोग उल्टा यानी कि मतलब अंडर रूट करते थे, लेकिन इस बार क्या है, सीधा है, तो हम लोग सीधा करेंगे, 5 की पावर 4 कर दो, ठीक है? और यहाँ पे 4 की पावर 4 ये 256, और ये 5 की पावर 4 625, यानी कि शुरू में दूध अगर 625 होगा तो बाद में 256 का हो जाएगा। और ये बताइए बाद में दूध बचा कितना है? 512 का। तो ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं ये 512 ग्राम होगा तो इसका ठीक ये दोगुना है, तो इसका तुम दोगुना करोगे तो ये हो जाता है तुम्हारे पास 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब है, और 1250 ग्राम को तुम 1.3
25 kg भी लिख सकते हो, बताओ हाँ या ना। उम्मीद करता हूं सुन में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अब देखो एलिगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको कोई मतलब एक ऐसा लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक या दो ही चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड को आप कई चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि ये जो सवाल है आप लोगों का साधारण ब्याज पे आधारित सवाल है, और साधारण ब्याज पे भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं कि कैसे हम लोग साधारण ब्याज के सवाल में इस्तेमाल करेंगे एलिगेशन मेथड को। इसका भाई देखो बेसिक वगैरह जो भी है वो मैं बताऊंगा, साधारण ब्याज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट उसमें। मैं अभी मेरा फोकस अभी इसमें क्या है, एलिगेशन मेथड से इस सवाल को करवाना, ठीक है। मेरा फोकस अभी प्राइमरी फोकस मेरा यही है, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, 6,000 में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दिया गया, ठीक। सवाल में बोला है 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3,400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी, ठीक है। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, है ना, ये मैं अब आपको बता देता हूं, है ना। तो ये बताइए कि 10% के हिसाब से ये है और दूसरा जो है 20% के हिसाब से ये है, ठीक है। अब जरा बच्चों बताओ कि जब यहां पर बोला है कि 4 वर्ष में टोटल 3,400 रुपये ब्याज बना है ना, तो ये जो 4 वर्ष में 3,400 रुपये ब्याज बना है ये पूरे टोटल पे बना है। अब टोटल पे बना है तो टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग निकालना पड़ेगा, और टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप अलग से निकालना चाहते हो तो मेरे भाई ये कर सकते हो कि ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है भाई, 3,400 रुपया जो है कितने टोटल मूलधन पे, 6,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकलेगा, टाइम कितना है 4 साल, ठीक है, और बटे में कितना 100, शून्य 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 कैंसिल, है ना। अब देख लो भैया जो जो कट रहा है काट दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 बटे 32, 4 पचे 20, बताओ आर का मान आ जाएगा 85/6%। अब बताओ कि यहां पर आ जाएगा 85/6%, है ना। अगर यहाँ पे नीचे 6 है, अगर मैं हर जगह पे 6 से गुणा कर दूं ताकि मेरे लिए चीजें आसान होने लग जाएं, तो बताओ कि ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा कितना 85, है ना। तो बताइए 15 इधर 20 उधर, यानी कि हो जाएगा 35, और यहां से और यहां की बात करें तो बताओ ये है 60 और ये है कितना 85, अंतर कितना हो जाएगा 25 का। 5 के पहाड़े में 7 बार में, 5 के पहाड़े में ये कितने बार में, 5 बार में, 7 और 5 के रेशो में टोटल 6,000 का बंटवारा होगा। तो बताओ 7 5 होता है 12, 12 बराबर कितना होगा 6,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 500, 1 अगर 500 तो 7 हो जाएगा 3,500 और 5 हो जाएगा 2,500, ठीक है। तो 3,500 और 2,500 ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब तुम देख लो सवाल में तुमसे पूछा क्या है कि 10% ब्याज दर पे कितनी राशि, तो 10% ब्याज दर पे कितनी राशि, तो 10% पे कितनी राशि है 3,500। तो ये एक तरीका होता है मतलब एलिगेशन से सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को करने का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, और भी तरीका है ना। लेकिन मेरा मैंने प्राइमरी फोकस मैंने आपसे बताया था कि मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि मैं अभी आप लोगों को इसका एलिगेशन मेथड वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने वही बताया। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब ये देखते हैं जरा, चलो कह रहा है कि एक आदमी ने 6,800 रुपये जो है कुछ पैसा 10% के हिसाब से और बाकी का कुछ पैसा 7.5% के हिसाब से निवेश किया, ठीक
ये भी बच्चों वही सवाल है, ठीक है। अगर उसकी टोटल कमाई जो है 3.5 साल में 1904 रुपए की है, तो बताओ कि उसने 10% के हिसाब से कितना पैसा ब्याज में दिया होगा, है ना। ये आप लोगों से बच्चों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये जानते हैं। ये बताओ बच्चों कि कुछ पैसा तो ये भाई साहब 10% के हिसाब से और कुछ पैसा 7.5% के हिसाब से, ठीक है। और ये बताइए 3.5 साल में 1904 रुपया ये इसने बोला है, तो ये बताओ 1904 रुपये 3.5 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, है ना। मतलब ये भी कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइए 3.5 साल में 1904 रुपये 1 साल में कितना होगा, तो आप ऐसे डिवाइड करके निकालोगे 7 से कितने बार में, 7 दुनी 14, 5 बचा 7 सत्ते 49 और 7 दुनी 14, तो 272 × 2, 2 दुनी 4 2 सत्ते 14 और 2 दुनी 4 1 5, 544 रुपये जो है 1 साल का ब्याज होगा। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 544 की तुलना बताओ कितने से, 6800 से कर दोगे और मल्टीप्लाई 100, 0 0, ये 0 ये 0 कैंसिल, देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये भी 4 से कटेगा, 4 एकम 4, है ना, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 4 4 24, ठीक। तो अब बताओ ये कितना आया, सॉरी ये कितना आया, 136 आया ना, यही है ना, सही है, हाँ सही है। तो हाँ ठीक है, अब बताओ 17 से ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8% ही आएगा, 8% बच्चे लगा दो बीच में और लगा दो इसमें एलिगेशन मेथड, जैसे एलिगेशन लगाओगे तो 7.5 और 8 का अंतर होता है 10.5 और 8 और 10 का अंतर होता है 2, है ना, पॉइंट को हटाओ ना, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 1 और 4 का रेशियो, 1 और 4 के रेशियो में हम लोग 6800 राशि का बंटवारा करेंगे, तो बताओ 6800 ना, हाँ तो बताओ 1 और 4 होता है 5, 5 बराबर 6800, 1 बराबर 5 एकम 5, ठीक है, 5 3 15, 5 6 30, तो 1360 रुपये ये होगा, तो 4 बराबर कितना होगा, गुणा कर लो 6 चौके 24, 2 बचा और 13 चौक 52 54, तो ये बताइए कि हमें चाहिए था किसमें 10% के हिसाब से, तो आंसर 1360 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 1360 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों जो ये सब सवाल होते हैं जो आपको दिख रहा है, ये इतने बड़े बड़े सवाल है ना, मतलब इनके पेपर में आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन हाँ आए हैं, है ना, लेकिन जब आए हैं तो बच्चों को परेशान बहुत ज्यादा किए हैं, मतलब इतने ज्यादा लेंदी हो जाते हैं ये सवाल कि आप लोग कर करके वाकई में इसमें परेशान हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब कुछ अलग तरीके भी होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और वो तरीके वो होंगे जो मैंने आप लोग को पहले परसेंटेज में बता रखे हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपको याद हो या ना हो, ठीक है, देखना क्या है वो तरीके। आप इस सवाल को एक बार पढ़ लो पहले तो अच्छे से, पढ़ लिया चलो, कह रहा है कि एक आदमी जो है वो टोटल 65,000 रुपए को 3 बैंकों में डिपॉजिट करता है, ठीक है। अभी तक क्या था, पिछले सवालों में 2 बैंकों में डिपॉजिट होता था, इस सवाल में बच्चे 3 3 बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, पैसा बहुत है भाई, है ना। अब ये कह रहा है कि बैंक के नाम जो है वो ABC हैं और साधारण ब्याज की दर पे उसने निवेश किए हुए हैं, ठीक है।
फिर कह रहा है कि कुछ राशि उसने 12%, कुछ को 16% और कुछ को 18% पे निवेश किया, ठीक। और इस प्रकार से उसने अगर टोटल 10,180 रुपए का इंटरेस्ट कमाया हो एक साल में, और फिर उसने ये भी कह दिया कि जो उसने बैंक ए में निवेश किया है उसका 71 सहित 3/7% अमाउंट जो है उसने बैंक सी में निवेश किया है ना। तो सवाल में आपसे बोला है कि बताइए कि बैंक बी में उसका निवेश कितना होगा, ठीक है। कैसे करोगे इसको बताओ, फटाफट आप मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया जरूर दो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताते हो तो। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे राशि ना तीन भागों में बटनी है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। मैं आप लोगों को पूरा इसका डिटेल, मतलब डिटेल क्या मतलब, यही एक तरीका ये सवाल को करने का, यही इसका शॉर्ट तरीका यूं समझ लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और तो भैया बहुत मतलब समझ लो कि काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप बेसिक से करने लग जाओगे, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि जैसे 65,000 रुपए की राशि, एक मिनट यहाँ दिखाई, 65,000 रुपए को कितने भागों में, तीन भागों में हमें बंटवारा करना है, हमने बांट दिया किस किस में, ए बी सी में, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें सबसे पहले यही आ जाती है, बच्चा ये सोचता है कि यार इसको एक्स मान लेते हैं। अच्छा बताओ अगर तुम इसको एक्स मानोगे तो फिर इन दोनों को क्या मानोगे, इनको इन दोनों को अगर तुम 65,000 माइनस एक्स मानोगे, अगर मान लो तुम इसको 65,000 माइनस एक्स मान लोगे तो फिर सी को क्या मानोगे, यानी कि एक्स तो ए हो गया, चलो ठीक है, 65,000 माइनस एक्स कौन सा, वो बी हो गया, तो फिर सी क्या है भाई, सारी राशि तो ए और बी में ही तुमने कंज्यूम करा थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब यहां पर ये इतनी दिक्कत ना आए इसीलिए एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये किया कि सभी लोग ध्यान से सुनना, एग्जामिनर ने यह किया कि यहां पर ए राशि में और सी राशि में, ए और सी की राशि में उसने एक तुलना कर दिया, और ए और सी की राशि में उसने तुलना कर दिया, और तुलना करके ये कहा कि ए जो है वो 71 सहित 3/7% किसका, सी का कमा रहा है, ठीक है। ए जो है वो 71 सहित 3/7% किसका, सी का कमा रहा है, उसने तुलना करके ये बोल दिया, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि अगर उसने ऐसा बोला 71 3/7% सी, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो 7 × 7 = 49, 497/3/500/7% और परसेंट है तो यहां पर नीचे 100 लगा दूंगा इसी। अब देखो यहां से मेरे पास ए और बी के बीच में रेशियो आया, यानी कि ए अगर 5x होगा तो सी हमारा हो जाएगा कितना, 7x, तो ए और सी का हमारे पास एक रेशियो निकल के आ गया, यानी कि मैंने कहा कि अगर ए की राशि 5x होगी तो सी की राशि कितनी होगी मेरे भाई, 7x होगी। अब जरा बताओ कि ए और सी मिलाकर हो जाएगी 12x, तो बी कितना होगा, 65,000 माइनस का 12x, ठीक है। अब बच्चों लेकिन अगर मान लो कि तुमने यहां से प्रिंसिपल का बंटवारा करके प्रिंसिपल निकाल भी लिया ना, तब भी देखो कोई खुश होने वाली बात नहीं है, तब भी कैलकुलेशन तुम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगा के करो, तब भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, समझ में आ रही है बात मेरी। यहां से प्रिंसिपल ये ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 12 दिया ही है, टाइम एक साल दिया ही है ना, और बटे में 100, फिर इसमें भी ऐसे करो, इसमें भी करो, और सभी को मिलाकर टोटल 10,180 करके सॉल्व कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करना क्या आपको, ये देखो जो आपको करना है वो देखो, आपको करना ये है बच्चों कि आप सीधा सीधा क्या करोगे कि अगर ये तीन प्रकार के प्रिंसिपल को मैं दो प्रकार में चेंज कर दूं तो हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा ये चेंज कैसे होगा ये जानो, ये चेंज ऐसे होगा कि बताइए इसने ए और सी के बीच में रेशियो दिया कितना, 5 और 7 का, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ए का जो परसेंटेज है रेट परसेंट वो है 12% और सी का जो रेट परसेंटेज है वो है 18, ठीक है। बच्चों ये बताओ कि जब प्रिंसिपल का रेशियो पता है और इन दोनों का परसेंटेज पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो इन दोनों का कंबाइन भी तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी को निकालने का प्रयास करना है। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
भाई देखो जो भी आंसर होगा 12 18 के बीच में होगा, मतलब ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं करने का। तो 12 18 के बीच में कोई भी संख्या मान लीजिए, मैंने कहा 15 मान ली, ठीक है, ये कितना छोटा है, 3 छोटा है मल्टीप्लाई 5, ये कितना बड़ा है, 3 बड़ा है मल्टीप्लाई, ये 21 हो गया, ये कितना हो जाएगा 15, 21 में 15 क्या बचेगा, कितना 6, और इस 6 को 5 और 7 12 से डिवाइड कर दोगे तो बताओ बच्चों ये 15.5% आएगा, नहीं आएगा, ये जो 15.5% आया है इसमें कौन कौन का ब्याज है, इसमें बच्चे ए और सी का कंबाइंड ब्याज हो गया, ठीक है, ए और सी का कंबाइंड ब्याज हो गया हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, ए और सी का अगर कंबाइंड ब्याज 15.5% आ रहा है, बी का तुम्हें पता ही है कि भाई बी का जो ब्याज दर है वो कितना है, 16% है। अब देखो सवाल कितना आसान होने लग जाएगा, अभी देखते रहना, ठीक है भाई, 65,000 रुपए थे है ना, तो अब देखो अब ये प्रिंसिपल जो 3 भागों में था अब ये 2 भागों में बटेगा, क्यों, क्योंकि देखो ए प्लस सी जो है तुम्हारा 15.5% है जबकि बी जो है तुम्हारा 16%, 16 ना, हाँ ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताना, सभी बच्चे ध्यान से चीजों को सुनना और मेरे को एक चीज बताना आप लोग यहां से, ठीक है, खुद सोचो कि 15.5% ब्याज दर पे ये है और ये 16% पे है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये 15.5% पे है और इसको भी मैं 15.5% पे ही कर देता, ठीक है ना, लेकिन हमने देखा कि ये 0.5% अधिक था, 15.5 पे ये भी, 15.5 पे ये भी, तो यानी कि ये बताइए फुल राशि, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ताकि आपको पूरा दिखे, क्योंकि ये सवाल बड़ा है तो बोर्ड भर जाएगा, तो ये बताइए कि अगर 15.5% पे ए और सी भी निवेश किए और अगर मान लीजिए बी को भी मैंने 15.5% ले लिया जबरदस्ती, है ना, तो बताइए जो ब्याज होता, देखो यहाँ ए सी है और यहाँ बी है, तो ब्याज आपका सीधा सीधा 15.5% होता, किसका, पूरे 65,000 राशि का, और 15.5% 65,000 का निकालोगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा कितना, 10,075 रुपए, ठीक है। अब 10,075 रुपए ब्याज आता, लेकिन आपने देखा कि भाई पूरी राशि पे हमारा जो ब्याज आ रखा है वो 10,180 रुपए आया है, तो बताओ कि ये जो अंतर आ रहा है कितने का अंतर आ रहा है, 105 रुपए का, ये 105 रुपए का अंतर किसकी वजह से आ रहा है, इसलिए आ रहा है, ये इतना ज्यादा ब्याज इसलिए आ रहा है क्योंकि बी का जो था वो 0.5% अधिक था, बी का अगर 0.5% अधिक था तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5% ये बी का है जो कि 105 के बराबर होगा, तो बताइए 100% अगर निकालूंगा तो बी की राशि आएगी, तो 105 बटे में 0.5 मल्टीप्लाई में 100, है ना, इसको अगर मान लीजिए चेक काम करते हैं, हटाने बताने का झंझट नहीं पालेंगे, 105 210 आंसर हो जाएगा 21,000 रुपया, तो ये राशि किसकी आ गई, बी की। सवाल में पूछी किसकी थी, तो सवाल में एक बार देखना भाई किसकी पूछी थी, एक बार मैं देखो क्वेश्चन लगा के, सवाल में शायद बी की पूछी थी ना, अब बी की पूछी थी, ठीक है, तो 21,000 हमारा इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर तुम ये बेसिक, एक तरह से ये जो कर रहा था ना मैं, ये बेसिक था एक तरीके का, है ना, अगर इसका करोगे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और देखो ये जो मैं मेथड आप लोगों को बताया हूं, अगर इस मेथड से करते हो तो पहले स्टेप में ये और दूसरे स्टेप में ये और सवाल तीसरे स्टेप में खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। I'm going to go to the next one.
अब देखिए जैसे ये सवाल है, ये भी सवाल बिल्कुल आपका उसी के जैसा ही है, ठीक है। ये भी सवाल बिल्कुल उसी के जैसा ही है और मैं इसको भी करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो देखो, 80,000 रुपए एक आदमी ने एबीसी तीन बैंकों में 15, 16, 27 की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। फिर कह रहा है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किया गया धन का 20% है, ठीक है। तो बताओ बैंक ए में और बैंक सी में, ए में सी का 20% है, तो मतलब ये 5 होगा, ये होगा 1, और ए का जो परसेंटेज है वो 15% है, जबकि सी का जो परसेंटेज है वो 27% है कि नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि जो भी आंसर होगा 15-27 के बीच में होगा, है ना। मैंने आपसे बोला था कि ऐसे ही करना है आप लोगों को, तो 15 और 27 के बीच में मान लीजिए मैंने 20 माना, तो ये कितना कम है, 5 मल्टीप्लाई 1, ये कितना ज्यादा है, 7 मल्टीप्लाई 5, ये 35 होगा, ये 5 होगा, बचेगा कितना, 30 बटे में 5 और 1 6, 5 बार में, तो ओवरऑल 25% आएगा किसका, ए और सी मिलाकर, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ कि ए प्लस सी मिलाकर अगर 25% ब्याज दर आ गया, और हमें पता है कि बी का जो ब्याज दर है कितना है यार, 16%, 16% है, ठीक है। तो आप बच्चे ये बताओ कि टोटल राशि कितने की है, 80,000 की है। मान लीजिए कि ये 25% है, अगर मैं इसको भी 25% लेके चलू, तो एक काम करता हूँ कि इसको भी 25% में लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे को पता है ये 16 है, तो मेरे को -9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब बताओ कि 25 ये भी होगा, 25 ये भी होगा, तो 25% किसका, 80,000 का, कितना होता है, तो 25% अगर तुम 80,000 का निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000। मुझे पता है कि नहीं दिख रहा होगा, अभी तुरंत आपको दिखने लग जाएगा, चिंता ना करो, जब मैं हूं तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है। चलो अब बताओ 25% 80,000 का, यानी कि ब्याज कितना आ रहा है, 20,000। अच्छा ये बताइए कि इसमें 36,400 रुपये ब्याज जो आ रहा था वो कितने साल में, 2 साल में, उसको 1 साल का बना लो, कितना आएगा, 18,200। यानी कि ये बताइए ब्याज आना चाहिए 18,200, लेकिन यहाँ 1 साल में 20,000 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस बन रहा है। तो आप बोलोगे गुरु जी माइनस कर दीजिए, जैसे ही माइनस करोगे तो 0 0 10 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1, है ना, और 2 में गया 1, नहीं 1800 है ना, ठीक है। अभी तो 1800 का डिफरेंस बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने बी को 9% कम किया था, तो 9% अगर 1800 होगा तो 1% बच्चे कितना होगा, 200, है ना, 1% 200 होगा तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 20,000। तो 20,000 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, है ना। बी का पूछा था ना हमसे, क्यों बच्चों, बी का पूछा है ना, हाँ बी का पूछा है, तो ये लो 20,000 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और सवाल हो गया फिनिश, ठीक।
नोट कर लीजिए। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने इसको प्रॉफिट लॉस में भी शायद किया होगा ना, परसेंटेज में किसी में किया है जरूर। ठीक है, अब देखो इस सवाल के करने के तरीके काफी हैं ना, मैंने आप लोगों को इसका काफी बढ़िया बढ़िया तरीका भी बताया है। अब इसके इसी प्रकार के दो सवाल हैं, तो एक प्रकार मतलब एक सवाल मैं बता देता हूं और एक सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा जरूर। ठीक है, एक मैं बता दूंगा आपको और एक आप खुद से ट्राई करना। चलो, कह रहे एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के 450 कलम खरीदता है, प्रत्येक प्रकार पर वह क्रमशः 9, 10, 12% का लाभ कमाता है। तो 3 प्रकार के कलम की संख्या एबीसी मान लिया और ये टोटल जो है कितने हैं 450, है ना। ए पे बताओ कितना प्रॉफिट पा रहा है, 9% का। बी पे 10% का, जबकि सी पे 12% का। ठीक है, और जब उसने प्रॉफिट में बेचा इनको इस प्रकार से, तो ये जो है पहले 2 प्रकार पे 9 सही 3/7% का प्रॉफिट पाता है, है ना, और ओवरऑल में 10% का प्रॉफिट पाता है। तो सवाल बोला है कि बताइए तीनों प्रकार के पेनों की संख्या कितनी कितनी होगी, कैसे करेंगे, एलिगेशन से बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, ए प्रकार पे इसका 9% का प्रॉफिट है, बी पे 10% का प्रॉफिट है, और ए और बी दोनों मिलाकर 9 सही 3/7 का प्रॉफिट है। जब मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा तो बताओ ये आपके पास कितना बचेगा, ये 4/7 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये 3/7 बचेगा। 7-7 कैंसिल, तो 4 और 3 का रेशो आया, यानी ए प्रकार के जितने पेन होंगे, बी प्रकार के जितने पेन होंगे, इन दोनों के बीच में जो रेशो होगा वो 4:3 का आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये बताओ कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर 9 3/7% प्रॉफिट है, है ना, और जबकि सी का अगर अकेले की बात करें तो सी का अकेले का 12% प्रॉफिट है, है ना। और ये बताओ कि ये इसमें ए बी है, इसमें सी है, तो दोनों को मिला दोगे तो टोटल ओवरऑल एबीसी सारे हो जाएंगे और सारे का प्रॉफिट बच्चे 10 दिया है। लगाओ एलिगेशन, 12-10 का अंतर 2 ही होगा, और 10 और इसका अंतर हो जाएगा 4/7, 2 से 2 बार में, तो 7:2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर एबीसी का रेशियो निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, ये जानते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। अच्छा ए प्लस बी 7 आ रहा है, अब यहां चेक कर लो कि a प्लस बी 7 आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है, तो 4 और 3 7 आ रहा है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो c अपने आप ही 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 के अनुपात में 450 का बंटवारा करो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 4 3 7 2 9, 9 बराबर 450, 1 बराबर 50, किसका निकालना है, तीनों प्रकार, 1 50 तो 4 200, 3 150 और ये 100। लो तो तीनों प्रकार के पेनों की संख्या तुम्हारे सामने आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें बखूबी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हो तो ये जो सवाल है, ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप करके रखेंगे, है ना, मतलब आप करेंगे। ठीक है, और इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा।